बड़ी खबरें आ रही है, लेकिन आमेर से बीजेपी के सतीश पुनिया की हार हुई है। बड़ा चेहरा जिसकी हार हुई, कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने जीत दर्ज की है आमेर से। ये बड़ी खबर, लगातार सतीश पुनिया पीछे चल रहे थे, हालांकि बीच में उन्होंने कवर भी किया, लेकिन प्रशांत शर्मा की जीत हो चुकी है कांग्रेस से। इस वक्त ये बड़ी खबर है नरेश जी, ये बहुत चौंकाने वाला, हालांकि शुरुआती तो उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन प्रशांत शर्मा की जीत, सतीश पुनिया की हार। प्रशांत शर्मा ने जिस तरह से कैंपेन किया था, लो प्रोफाइल होके और डोर टू डोर पहुंचे थे, उनकी मेहनत का फल उनको मिला है। और आमेर के साथ श्वेता, मैं ये भी चाहूंगा कि कुछ देर में आप तारानगर का भी अपडेट बताइएगा, क्योंकि भी पीछे चल रहे थे, वहाँ भी जो है वो भाजपा के लिए कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को नहीं मिल रही है, लेकिन अभी अपडेट उसका भी सुनेंगे हम। लेकिन जहाँ तक सतीश पुनिया की हार है, ये एक सबसे कह सकते हैं अब तक के जो परिणाम आए हैं सबसे बड़ा झटका भाजपा को है, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कांग्रेस के मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार आ रहे हैं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष कुछ महीनों पहले ही जो है इनको बदला गया था और इनको उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी विधानसभा में। मुख्यमंत्री के चेहरों की रेस में भी सतीश उनका भी जिक्र हो रहा था पहले, हालांकि इसके बाद में जरूर बदलाव हुआ जब प्रदेश अध्यक्ष भी बदला गया, चर्चाओं में 4-5 नाम ही रह रहे थे। देखिए जब भी इनका हारना, देखिए जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है किसी पार्टी का, तो वो स्वतः ही मुख्यमंत्री की दौड़ में उनकी काउंटिंग कर ली जाती है, चाहे एक पार्टी के नेता हो या मीडिया हो, तमाम जो लोग हैं वो उनके दौड़ में शामिल कर लेते हैं। लेकिन पहले, सबसे पहले विधायक बनना जरूरी होता है, और विधायक बनने के लिए जनता से लगातार जुड़ा रहना महत्वपूर्ण है। ये मलाल सतीश पुनिया को नरेश जी रहेगा, लेकिन एक सवाल है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे अभी चल रही है, सीट भी उसे ज्यादा मिल रही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सीट हार गई है। लेकिन यहाँ पर लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD, उन्होंने एक पोस्ट डाली है एक्स पर, जहां पुराने पत्ते नहीं झड़ते वहां वसंत नहीं आता। देखिए ये बड़ा बयान है, दो लाइनों में बड़ी बातें कही है लोकेश शर्मा ने, और ये हम पहले भी कह रहे थे जब मैंने आदित्य से सवाल किया था कि अगर टिकट पर एक्सरसाइज करती कांग्रेस तो संभवतया सफलता कुछ और मिल सकती थी। ये नतीजे पहले दिख रहे थे कि यहाँ कांग्रेस कमजोर है, अगर नए चेहरों को उतारती है, मौका देती है, तो शायद जीत सकती है, शायद अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लोकेश शर्मा ने दो जगह जो है वो दावेदारी की थी, बीकानेर से और फिर भीलवाड़ा से। बिल्कुल नरेश जी, और इस बीच एक और बड़ी खबर,